वेलकम बैक वंस अगेन एवरीवन टू द चैनल जिसका नाम है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम आपकी जो है आंसर की उसके बारे में कि आपकी आंसर की देखिए जल्द ही आपके समक्ष होगी, जल्द ही आपके सामने होगी। आपकी जो परीक्षा हुई थी दिनांक 15 दिसंबर को, नॉट 15 दिसंबर को, सॉरी, आपकी एग्जाम हुई थी 14 दिसंबर को 2023, उसकी जो आंसर की है जल्दी आपके सामने होगी आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो आपको जो मस्ट काम करना है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो बता देते हैं आपको यहाँ पर। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले अब जो आंसर की आने वाली है आपके सामने उसको क्या करना है, नंबर वन प्रायोरिटी देके क्या करना है, सबसे पहले आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। क्या करेंगे, सबसे पहले उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डिस्ट्रेस डेवियंस और वो सब चीजें हैं, उसके साथ साथ आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ध्यान रखना है डी से आपकी जो आंसर की आएगी उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वहां पर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, आंसर की डाउनलोड करने से तात्पर्य क्या है, आंसर्स तो आप करेंगे ही, उसी के साथ साथ आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पर डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपको डाउनलोड करके रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है, अपने आंसर्स चेक करने के पहले भी क्या होगा, आप अपने आंसर्स चेक करने के पहले भी क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अपने आंसर्स चेक ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप जो जाएंगे तो आगे आप फंसते चले जाएंगे, इसलिए सबसे पहले क्या करें, आप उस पेपर को अपनी जो पीडीएफ फॉर्मेट में है उसको आप वहां पर डाउनलोड कर लें। ठीक है, पेपर को डाउनलोड करने के बाद देन क्या करेंगे, देन आपकी जो आंसर की है, पेपर आपके पास आ गया आपके मोबाइल में जहां भी है उसको वहां पर आप शेयर कर लें। ठीक है, या अपने किसी सगे संबंधी के साथ जहां पे आपसे वो मिस ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। कई बार देखा जाता है लोगों से क्या होता है, ये जो पेपर है ये मिस हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर अलर्ट रखना है, ध्यान रखना है कि आप इस पेपर को डाउनलोड करके एक ऐसे फोल्डर में सेव कर लें जहां पे आपको वो काम देगा। ठीक है, सबसे पहली बात। एंड उसके साथ देखिए, अगर आप जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पेपर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपका पेपर जैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, बुरा गया हो, है ना, नो मैटर वॉट, बट आपको यहाँ पर जो है पेपर को डाउनलोड करके रख लेना है बड़ी ही सावधानी से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नंबर सेकंड पे पानी का ग्लास लेना है और एक गहरी सांस लेना है, और उसके बाद अपनी जो आंसर की है उसको वहां पे उस प्रश्न पत्र के साथ वहां से आप जो क्या करेंगे, मैचिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैचिंग करेंगे और जो भी आपका स्कोर आएगा पेपर वन का एंड पेपर टू का, उसको आप यहाँ पे कॉमेंट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं कर सकते तो आप व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं आपका जो भी स्कोर आ रहा है तो। ठीक है, ये स्कोर जो भी आ रहा है, देखिए कुछ लोग होंगे जिनका यहाँ पर नेट होगा, कुछ लोग होंगे जिनका यहाँ पर जेआरएफ होगा, कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर से यहाँ पर रह जाएंगे, तो उनको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। आगे के लिए उनको जो है और कड़ी मेहनत करनी है, आगे के लिए और जो है उनको कड़ी मेहनत के साथ आगे जो है इसके लिए तत्पर रहना है कि आगे क्या करें, वो इस एग्जाम को क्लियर करें। ठीक है, और आंसर की देखने के बाद एकदम घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से एक एक सवाल को देखते जाना है। आपने आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो भी वहां पर आपको देखने मिलेगा, तो उसको भी वहां पर देखते जाए, ठीक है, कि क्या इसका आंसर है, क्या इसका आंसर नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें और वहां पे आप उसको मिलान करते जाए। ठीक है, इसी के साथ देखिए आंसर की आ जाने दीजिए, क्वेश्चन पेपर आ जाने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे भी उसका हम क्या करेंगे, बताएंगे उसके आंसर्स, तो आप उसके द्वारा भी चाहे तो आप वहां पर बाद में उससे भी आप वहां पर मैच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आंसर की आने के बाद इतनी जल्दी होगी आपको कि हमारी वीडियो कहाँ देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको कर दीजिए। ठीक है, अपनी जो आंसर की समय से चेक कर लीजिएगा, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें, और उसी के साथ साथ आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको बिना भूल के बिना चूक के क्या कर लेंगे, आप वहां पे उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 आपके महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं जिनको आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, और जो भी आपका स्कोर आएगा उससे आप क्या रहें, उससे आप खुश रहें, क्योंकि वो आपकी पूरी मेहनत है, जिस भी प्रकार से आपने यहाँ पर इस पेपर को अटेम्प्ट किया था। ठीक है, इसमें अगर सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, एक बड़ी सी स्माइल के साथ, और अगर सफलता इसके अंदर आपको नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, फिर भी एक बड़ी सी स्माइल के साथ आगे के लिए क्या करना है, आगे के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, एंड आगे के लिए आपको जो है यहाँ पे और अच्छे से मेहनत से तैयारी करनी है आगे आने वाले आपके जून 2024 के अंदर। ठीक है, जो भी गलतियां यहाँ पे आपसे हुई, जो भी गलतियां यहाँ से आपसे हुई, उसको ध्यान रखना है कि अगली बार पेपर इस प्रकार से नहीं होगा, तो उस गलतियों को आपको ध्यान में रखते हुए चीजों को और पढ़ना है और एडवांस चीजें पढ़ के जाना है। ठीक है, और बाकी सब ठीक ही है, और इस चैनल को फॉलो करते रहना है। ठीक है, इस चैनल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी में एक थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, ऑलराइट, इसी के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आंसर की जैसे ही आएगी सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, देन सेकेंड नंबर पे आपको क्या करना है, अपनी जो आंसर की है उसको आप चेक कर लेंगे, उसका मिलान कर लेंगे आप यहाँ पे आपके इसी क्वेश्चन पेपर के साथ। ठीक है, जो आंसर की आने वाली है आपकी यूजीसी नेट दिसंबर
2023 की जल्द ही आपके सामने होगी एंड कुछ ही दिनों के अंदर, लगभग 15-20 दिनों के अंदर आपका जो है फाइनल रिजल्ट, कट ऑफ वगैरह भी वो आपके सामने होगा, ठीक है। और इस पेपर के बाद डिस्कस करेंगे और आपका कट ऑफ वगैरह क्या जा सकता है, सिलेबस वगैरह के देखिए अभी कुछ चेंजेस की उम्मीद नहीं है, तो उसके लिए आप यहाँ पे परेशान ना हो। आगे के लिए आप अगर जून 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा जो फुल कोर्स है उसके अंदर भी आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे लेके आप वहाँ पे संपर्क करके वहाँ पे आप बातें कर सकते हैं, हमसे नहीं हमारी टीम से। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।